हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वेट गेन के बारे में। वजन ना बढ़ना एक समस्या होती जा रही है, स्पेशली यंगस्टर एज में। यंगस्टर एज में जब बच्चे 15, 16, 17 क्रॉस करते हैं तो उनका वजन बढ़ना कम हो जाता है, रुक जाता है। वो प्रॉपर डाइट ना लेना हो, या फिर उनका डाइट कंप्लीट लेने के बावजूद कोई गड़बड़ी हो, या फिर कोई और अदर समस्या हो, तो वेट ना बढ़ना ये बहुत ही कॉमन समस्या होती चली जा रही है, स्पेशली यंगस्टर एज में। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगी वेट गेन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वेट गेन ना बढ़ने के क्या कारण है, क्या लक्षण है, और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज करें जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने मिल जाए और वेट गेन हो। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आज बताया कि इस वीडियो में मैं आप बात करने वाली हूँ वेट गेन के बारे में, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तो मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेट गेन की समस्याओं की बात करें हम अब, तो समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि सबसे पहला कारण तो है वजन ना बढ़ने का कि आपके प्रोटीन, आपके डाइट में आप बराबर कैलोरीज नहीं दे रहे। जितनी मात्रा में आपके बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत है वो आप नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी भी रेगुलर ऐप से यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप कैलोरीज मेंटेन कर सकते हैं कि आप कितना कैलोरीज कैसे कैसे ले रहे हैं, वो आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग कैलोरीज मेंटेन करें। दूसरी समस्या हो जाती है कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में है कि आपके मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ है। इस वजह से खाना ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी डिजीज से, इंटरनल डिजीज से सफर कर रहे हैं, लाइक हेपेटोमेगाली हो, लीवर डिजीज हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आप किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप वेट गेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप यूज करें होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं आपके लिए बता रही हूँ, जो यंगस्टर एज है, जो प्रॉपर डाइट लेते हैं पर उनका वेट नहीं बढ़ पाता, उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से, उनके पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वेट बढ़ नहीं पाता है, वेट गेन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वो यूज़ करें अल्फा अल्फा टॉनिक। अल्फा अल्फा टॉनिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपके बॉडी को ना कि प्योर करेगा, ना कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, और आपके वेट बढ़ने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो यंगस्टर एज से छोटे एज वाले बच्चे हैं उनके लिए, 16-17 से जो छोटे एज वाले बच्चे हैं उनके लिए आप यूज़ करें अल्फा अल्फा माल्ट का, चॉकलेट फ्लेवर का एक सिरप आता है, लाइक अ चॉकलेट फ्लेवर, वो टेस्टी है, जिसको आप दूध में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। अल्फा अल्फा माल्ट मैं पिक्चर लगा दूंगी, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अल्फा अल्फा टॉनिक है, एडल्ट एज में आने के बाद, टीनेजर एज में आने के बाद वो ले अल्फा अल्फा टॉनिक, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और चिल्ड्रेन एज में आप यूज़ करें अल्फा अल्फा माल्ट, वो दूध में ऐड करके पी लेना है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अगर आप प्रोटीन डाइट आपका ठीक नहीं है, पूरा डाइट आपका खान पान सही नहीं है, और खान पान की कमी की वजह से अगर आपका डाइट नहीं, वेट नहीं बढ़ रहा है, आप मेरास्मस के शिकार हो रहे हैं, बॉडी आपका फैल नहीं रहा है, तो इससे में आप यूज़ करें एब्रोटेनम 30 potency में, 5 drop × 3 times, 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। एब्रोटेनम मैं पिक्चर लगा दूंगी, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिसिन के लिए। तो मैंने सारे एज ग्रुप और किस किस कैटेगरीज के हिसाब से आपको कैसे कैसे लेना है वो मैंने डिटेल बता दिया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ विथ होम्योपैथी।